हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय केक रिडिक्शन। सो आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए हमने ये कुछ स्ट्रॉबेरी, अराउंड 7 to 8 स्ट्रॉबेरीज हैं, मैंने इनको डाइस करके एक ब्लेंडर जार में डाल दिया है। इसमें मैंने अभी शुगर डाला है, शुगर थोड़ा ज़्यादा डालो बट टेस्ट के हिसाब से, आपको अगर कम ज़्यादा चाहिए तो वैसे कर सकते हो। मैंने 2 tablespoons मिल्क पाउडर डाला है और कुछ दूध डाला है। अब हम इसको, इन सबको मिला के एक बार अच्छे से ब्लेंड करेंगे एकदम फाइन प्यूरी होने तक, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पूरे पूरे पीसेस इसमें अच्छे नहीं लगते। आप हैंड ब्लेंडर से भी इसको प्यूरी कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसको सिर्फ थोड़ा ज़्यादा स्वीट बनाना है, ज़्यादा स्वीट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ वनीला आइसक्रीम के स्कूप्स डाल रहा हूँ, आप 3-4 स्कूप्स डाल सकते हो। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है तो वो भी डाल सकते हो, और इवन इफ आपको चाहिए आइसक्रीम कम डालनी है तो कम भी डाल सकते हो। और अब मैं इसमें कुछ आइस क्यूब्स और दूध डालूंगा। अगर आप इसको प्योरली दूध से बनाओगे तो पतला बन जाता है, वनीला आइसक्रीम से थोड़ा थिक और अच्छा बनता है, ठीक है। अब हम इन सबको मिला के एक बार ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से बस, उसके बाद एक सर्विंग ग्लास में सर्व कर देंगे। जैसे इसको मैंने ब्लेंड किया है, इसको मैंने प्रॉपरली ब्लेंड किया जब तक आइसक्रीम जो है उसको मिक्स हो जाए प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्विंग ग्लास लिया, सर्विंग ग्लास में मैं अब स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पोर कर दूंगा, और अभी वो हम हमेशा की जो कॉमन डेकोरेशन होती है विप क्रीम वाली वो नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही सर्व करेंगे। बट देयर इज अ ट्विस्ट, हम इसके ऊपर ये वाइट चॉकलेट के फ्लेक्स डालेंगे। वाइट चॉकलेट के फ्लेक्स इसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी आप इसको सिप करोगे और ये वाइट चॉकलेट फ्लेक्स आपके क्रंच देंगे ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ बस अब एक कुछ स्ट्रॉबेरी के पीसेस छोटे से और एक स्ट्रॉबेरी से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।